अंगदान को महादान कहा गया है। भारत जैसे बड़े देश में अंगदान की बेहद जरूरत होती है। आज हालत यह है कि देश में प्रतिदिन 6000 ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है जो ऑर्गन डोनेट करने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये आंकड़ा साल में 5 लाख तक पहुंच जाता है। तो देश में अंगदान को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक अनिल गोयल जी, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कन्वीनर हैं ऑर्गन डोनेशन सेक्शन के, और बहुत फेमस यूरोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं और पूरे देश में उनका नाम है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली समस्या ये है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके अवेयरनेस नहीं है, इसे कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, हमको इसके कारण जानने पड़ेंगे कि कुछ तो लोग हैं धर्म के कारण उनको धर्म से जोड़ देते हैं कि जैसे हम अपने कॉर्निया दान देंगे तो अगले जन्म में हमको अंधे पैदा होंगे, तो ये एक मिथ है, इसको बस्ट करना पड़ेगा। ऐसे 10 मिथ हैं कॉमनली, जिनमें मैं 4-5 आपको बताता हूँ। दूसरा, डर है लोगों में। तीसरा है लीगल प्रोसेस। चौथा, जैसे स्कैंडल्स मीडिया में होते हैं वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन कई बार बढ़ाए जाते हैं, उसके कारण भी लोगों में डर है। पांचवा ये है कि डर भी मान लो कम है तो कई बार लीगल प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, ये यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो उस सब के लिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जब हमको कारण पता है तो उसके निदान या समस्या का समाधान भी हो सकता है जी। तो उस समाधान के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को बैठकर एक ऐसी नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जहाँ पर लीगल हैसिल कम हो, 1 पॉइंट क्लियरेंस हो जो डोनर है, और डोनर भी चूंकि 2 तरह के होते हैं, एक तो लाइव रिलेटेड डोनर होते हैं, एक होता है डिसीज डोनेशन प्रोग्राम या ब्रेन डेड जो आदमी है कोई भी व्यक्ति उसका डोनेशन होता है। फिर उसमें ब्रेन डेड वालों में अलग समस्या है, लाइव रिलेटेड डोनर में अलग है। तो लाइव रिलेटेड डोनर की डेफिनेशन है क्या, हम उसको और लैक्स कर सकते हैं क्या, कि मैं अभी तक ये कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है वो दे सकते हैं, क्या हम इसको डेफिनेशन को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या। इसी तरह जो डिसीज डोनर प्रोग्राम है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग, ग्रीफ रिएक्शन होते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये ब्रेन डेड वो पेशेंट्स हैं जो डोनेशन कर सकते हैं ऑर्गन, जो यंग पेशेंट्स होते हैं या एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं, तो इस तरह के लोग हैं क्योंकि ये रिलेटिवली यंग लोगों को ही वही ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। वैसे तो 18 से 60 साल के बीच में कोई भी कर सकता है जिसको HIV और कैंसर नहीं है, फिर भी सुटेबिलिटी ऑफ डोनर जो यंगर, मोर द यंगर पेशेंट बेटर वुड बी ऑर्गन्स। तो उन केसेस में किस तरह ऐसा हो कि जिसका ट्रीटमेंट का पार्ट है उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। अगर यहाँ ही भी जो पैसे का ट्रांजेक्शन जिसको दिया जा रहा है वो देने लगे तो फिर उसमें बायस आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा की, व्यापक चर्चा की ज़रूरत है सरकारी संस्थाओं के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जैसे हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की संस्था है 4 लाख की, वो इस पर बहुत दिशा में कदम बढ़ा रही है, और इसके अलावा रिलीजियस संस्थानों से, रिलीजियस गुरुज के साथ, और इसके अलावा NGOs के साथ, इन सब की एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाने की, और ये निश्चित हमारी आगे कोशिश रहेगी कि इन सब जहाँ जहाँ लूप होल है, जो जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको ईज आउट करके इसको डोनेशन को कैसे बढ़ाया जाए, और ऑब्वियसली अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं ये क्या सर है। क्या लोगों से कोई कंसेंट फॉर्म भराने की व्यवस्था नहीं हो सकती है कि जब भी उनके कोई क्षति हो, वो मृत्यु के करीब पहुंचे, तो उनके अंगों को दान कर दिया जाए? इसको प्लेज फॉर्म कहते हैं, और नोटो में ये है सुविधा, आप रजिस्टर एज ए डोनर। नोटो क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जी, नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट NOTTO। आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ यू कैन रजिस्टर देयर एज ए डोनर, यू कैन फिल अप द प्लेज फॉर्म। देन थर्ड पार्ट इज यू कैन ऑल्सो रजिस्टर एज ए वॉलंटियर ऑल्सो, कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम करना चाहता हूँ। तो आप इसके अलावा बहुत सारी NGOs इस दिशा में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं,
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की साइट पर भी हम जल्दी एक प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं जी। दधीचि देहदान समिति जैसे लोग हैं वो 25 वर्षों से इस दिशा में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी एनजीओज हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, इस पर काम कर रही हैं। तो आप अपने क्षेत्र में देखिए, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि नोटो पर जरूर रजिस्टर करिए, क्योंकि नोटो को ही जिम्मेदारी अब दी जा रही है पूरे कंट्री में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नया नियम लगाया है कि एक ही जगह आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पूरे कंट्री में वैलिड होगा। पहले क्या था, हर स्टेट में अलग अलग करना पड़ता था, ये अभी आया है एक दो महीने पहले। तो इसलिए मेरा कहना है कि नोटो पर जरूर आप एज वॉलंटियर और एज डोनर रजिस्टर कराएं, और अपने आस क्षेत्र में जो आपके एनजीओज हैं उनसे भी आप प्लेटफॉर्म भर सकते हैं। सर, मेरे दिमाग में यह प्रश्न इसलिए आया था क्योंकि भारत में प्रतिदिन 22,500 लोगों की मृत्यु होती है अलग अलग कारणों से। बिल्कुल। और हमें आवश्यकता है 6,000 अंगदाताओं की जी, जो कि मतलब मृत्यु होने वालों की संख्या 3 गुने से भी 4 गुने से भी ज़्यादा है जी, जी 4 गुने के आसपास है। तो अगर वो सभी कंसेंट फॉर्म भर देते हैं तो हमें बड़े आराम से अंग मिल जाए, कोई समस्या ही नहीं है। देखिए, आप जो कंसेंट फॉर्म है ना, मैं भर दूँ, लेकिन अगर मैं ब्रेन डेड है या कोई भी एक इंडिविजुअल ब्रेन डेड है, उसकी फैमिली का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसकी फैमिली वाले नहीं मानते धार्मिक कारणों से, भैया क्रीमेशन नहीं होगा तो पता नहीं आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो और फिर जैसे आप वहाँ पर अस्पताल में हैं तो वो चाहते क्रीमेशन करना या दफनाना, तो लोग को उस धार्मिक भावना से थोड़ा उबरना पड़ता है उसमें, और तब आप ऑर्गन डोनेशन करें तो उसके बाद ऑर्गन देने के बाद आपको बॉडी वैसी वैसी और आप अपने रिचुअल्स पूरे कर सकते हैं। तो मैं इसमें कहूँगा कि ये मिथ्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में हैं, ये ऑर्गन निकल गया तो आगे क्या होगा अगले जीवन में, तो उनके रिलेटिव्स नहीं मानते, ये हम लोगों ने बहुत बार देखा। तो कंसेंट उनकी और उनके दो कम से कम फैमिली मेम्बर्स की हो, एक की ज़रूरत है, वैसे दो की हो तो और अच्छा है, जो कि अगर इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ वो फिर वो आगे की प्रक्रिया वो पूरी करें डोनेशन की। ऐसा नहीं लगता है कि सर जो लोग बाधित होते हैं ये सोच के कि अगले जन्म में क्या होगा, उनको खैर ये समझाया जाए कि क्योंकि अमर होना हर मनुष्य की ख्वाहिश होती है कि वो अमर हो जाए, और अंग दान तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अमर हो सकता है क्योंकि वो मृत्यु के बाद भी किसी और शरीर में जीवित रहेगा। अगर इस तरीके से साइकोलॉजी को बदला जाए लोगों की, जो आपने कहा, इसीलिए हमारा टैगलाइन है पास ऑन लाइफ, और मृत्यु के बाद भी जिए। अगर जीना है तो मृत्यु के बाद जीना है तो ऑर्गन डोनेशन सबसे अच्छा है, और एक व्यक्ति जो ब्रेन डेड है 8 व्यक्तियों का जीवन बचा सकता है। जैसे कॉमनली मैं बताऊं आपके माध्यम से क्या क्या ऑर्गन आप डोनेट कर सकते हैं, अब ब्रेन डेड कोई भी इंडिविजुअल है, यहाँ से शुरू करिए, कॉर्निया आप दे सकते हैं, यहाँ हार्ट दे सकते हैं, लंग दे सकते हैं, लीवर दे सकते हैं, 2 किडनी दे सकते हैं, इंटेस्टीन दे सकते हैं, कार्टिलेज या बोन दे सकते हैं ना, तो इस तरह टिश्यूज दे सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें से आप जीवन बचा सकते हैं 8 लोगों का। आप सोचिए कि आप 8 लोगों में जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर जनता तक ठीक तरह पहुँचाया जाए, और इसको पहुँचाएगा कौन, कौन पहुँचाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मान लीजिए धार्मिक गुरु हैं, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जो मेडिकल कम्युनिटी है वो भी अपनी तरफ से काम कर रही है और उसको और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज हैं, वो पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट पहुंचा सकती है। आपने एक प्लेटफॉर्म की बात की, तो यूरोप के कुछ देशों में ऑप्ट आउट सिस्टम है, हमारे यहाँ ऑप्ट इन है, मतलब आप फॉर्म भरेंगे तो तब माना जाएगा कि आप प्लेज कर रहे हैं, वहाँ ऑप्ट आउट है। अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया कि मैं डोनेशन नहीं करना चाहता, तो ऑटोमेटिकली आप डोनर माने जाएंगे। तो क्या हम उस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है? तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए जैसे आपने मेरा परिचय दिया, मैं नेशनल कन्वीनर हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऑर्गन डोनेशन कमेटी। हम सब ये सारे प्लेथरा ऑफ क्वेश्चंस को प्रॉपरली एड्रेस करके एक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के साथ, अवेयरनेस बढ़ाने के साथ, वॉकाथन के द्वारा इस पर काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करके मुझे स्पष्ट लगा कि जो अंगदान की राह की सबसे बड़ी बाधा है वो सिर्फ सोच बदलने की बात है। सोच बदलने से देश बदलेगा और सोच बदलने से दुनिया भी बदलेगी। और
मुख्य रूप से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लोगों की, वो अपने अंगों को अपने मतलब वो अपने अंगों को ही अपना अपनी आत्मा समझते हैं। उनको ये नहीं पता कि आत्मा अमर होती है और शरीर भी अमर हो सकता है कई सालों के लिए। तो हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रहे हैं अंगदान की, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने डॉक्टर साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन ये मुहिम तभी सफल होगी जब आपके जैसे लोग, हमारे दर्शक, हम जैसे लोग जो सामान्य लोग हैं, वो इस बात की ज़रूरत को समझें कि हम किसी और के शरीर में भी जीवित रह सकते हैं और एक बड़े कार्य का माध्यम बन सकते हैं। उदय ने इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।